press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल से। साथियों, यदि आपके बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छा पॉइंट है वीक इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन का। एक्चुअली ये थाइमस ग्लैंड का पॉइंट है। आइए देखते हैं वो पॉइंट कौन सा है। ये हमारा हाथ, हाथ में आएंगे थंब, अंगूठा। अंगूठे में देखिए ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन देखिए। यदि हमने अंगूठे को बीच से लाइन खींची, यानी कि दो भाग में डिवाइड किया, तो जहां डिवाइड किया उसके बगल में ये पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा बाइलेटरल है, यानी कि दोनों ही तरफ, दोनों ही हाथों में। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 11। ये बाइलेटरल है। तरीका वही है, लेंगे हम पेपर टेप, लेकिन अब इसमें लगाएंगे क्योंकि हमें टोन करना है। थाइमस ग्लैंड का पॉइंट है, हमें स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें लेना होगा ब्योल मैग्नेट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्योल मैग्नेट, ये पूरा 10 ब्योल मैग्नेट्स का पैकेट है, और लूज में ये ब्योल मैग्नेट ऐसे दिखेगा। इसमें देखिए एक तरफ पीला है और एक तरफ वाइट है, यानी एक तरफ हम टोन करेंगे या एक तरफ हम इसको सेडेट भी कर सकते हैं। चूंकि ये पॉइंट हमारा टॉनिफिकेशन का है, तो हमें पेपर टेप में ब्योल मैग्नेट लगाना है। और लगाएंगे किस तरीके से, तो ये देखें, हमें ऐसे लगाना है, यानी जो स्किन में टच होगा वो येलो कलर का पार्ट होगा, और बाहर से देखने पे ये हमें ऐसे दिखाई देगा। तो जो अभी हमने पॉइंट बताया स्टमक 11, इसी के ऊपर हमें ब्योल मैग्नेट को बच्चे के ऊपर लगा लेना है। ये दोनों ही तरफ करेंगे, इस हाथ में भी और राइट थंब में भी। आप देखिएगा कुछ दिनों तक आप बच्चे को लगाएं, रात में सोते सोते लगा सकते हैं, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो बच्चे का इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रोंग हो जाएगा। जो अक्सर आपका बच्चा बीमार हो जाया करता था वो फिर बीमार नहीं पड़ेगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे विनती है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।